पेट्रोल डीजल एवं गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ भाकपा माले ने गांवा बाजार में प्रतिवाद मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका। मौके पर माले नेताओं ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल व रसोई गैस जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में अनावश्यक ही अनवरत वृद्धि की जा रही है। ऐसे में कोरोना प्रकोप, बेरोजगारी व महंगाई आदि से त्रस्त जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कहा कि केंद्र व राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल आदि पर लगातार वृद्धि करके जनता की जेब पर हर दिन भारी बोझ डाल रही है, जिसे तत्काल रोका जाना बहुत ही आवश्यक है। मौके पर प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव, तीसरी प्रखंड सचिव जयनारायण यादव, मुन्ना राणा, अशोक मिस्त्री, अजित चौधरी, आनंदी यादव, अखिलेश यादव, नारायण यादव, मन्नू कुमार, अशोक यादव, प्रदीप कुमार, राजेश यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारी सरकार जवाब दो। गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि क्यों? मोदी सरकार जवाब दो। इंकलाब जिंदाबाद। मोदी सरकार हाय। गैस, पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि क्यों? मोदी सरकार जवाब दो। गरीबों का खून चूसना बंद करो। किसानों की जमीन छीनने की साजिश। आज आप देख रहे हो कि इस मोदी सरकार में जो कहे थे कि हम आएंगे सरकार में, हम सत्ता में आएंगे, तो महंगाई जो बढ़ी हुई है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो और अन्य सामानों की जो मूल्यों में जो वृद्धि थी उसको हम कम करेंगे। गैस खास करके, गैस और पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करेंगे, कम करेंगे। लेकिन आज मोदी सरकार के 7 साल बीत जाने के बाद आप देख रहे हैं कि देश के अंदर लगातार डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो या गैस हो, इनके तमाम पदार्थों में जो है सो मोदी सरकार लगातार दामों में वृद्धि करते आ रही है। आप देखे होंगे कि इसी फरवरी माह के अंदर गैस में 3 बार, मतलब गैस एलपीजी गैस घर में जो जलाते हैं हम लोग सिलेंडर, उसमें 3 बार जो मूल्यों में वृद्धि की गई। फर्स्ट बार में 25 रुपये, फिर 50 रुपये, और फिर कल आप देखे होंगे कि फिर 25 रुपये प्रति सिलेंडर में के दामों में वृद्धि की गई। हम कैसे मान लें इस मोदी सरकार को, इस केंद्र सरकार को, कि गरीबों की सरकार है? ये सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार बड़े बड़े कारपोरेट घरानों की सरकार है, ये अडानी अंबानी के इशारे पर काम कर रही है सरकार, ना कि देश के किसान आज सड़कों पर है, देश के छात्र नौजवान सड़कों पर है, रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के। लेकिन इस मोदी सरकार जो है लगातार जो है सो कारपोरेट घरानों के दलाली करने में तुली हुई है, कॉर्पोरेट घरानों के मददगार साबित हो रहे हैं। ये मोदी सरकार ऐसे ऐसे नियम ला करके देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय में इस मोदी सरकार को देश की छात्र नौजवान, देश के किसान मजदूर, देश के गरीब नौजवान इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की काम करेगी। और आज जो आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक मार्च के माध्यम से नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और हमने मांग किया कि गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में जो वृद्धि हुई है उसको वापस ले, अन्यथा आने वाला समय में देश के छात्र नौजवान और तमाम जनता जो नए पसंद है वो इस मोदी सरकार को, इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।